अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होने वाले पिंजरा बनाने का तरीक़ेकार सिखाएंगे कि कैसे आप वो पिंजरे घर पे बना सकते हैं। ये पिंजरा बनाते हुए बुनियादी तौर से दो तरह की जाली इस्तेमाल होती है। एक तरह की जाली ये वाली है जो कि बेस में इस्तेमाल होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है बुनियादी तौर से 1/2 इंच बाय 2 इंच, यानी 1/2 इंच और 2 इंच के स्ट्रक्चर के साथ ही आता है। गेज इसका 15 गेज होता है, 15 गेज होता है, और गेज कम से कम इतना ही हो, इससे ज़्यादा पतला गेज ना हो, इससे बड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जाली जो है ये इस लिहाज से अच्छी है कि इसमें एक तो फीसेज आराम से निकल जाते हैं, यानी कि मिंगनियाँ स्टक नहीं होती और बच्चों के पाँव भी ख़राब नहीं होते और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे देते हैं। ये हम 10 फुट का एक बड़ा पिंजरा बना रहे हैं जिसकी लंबाई जो है 10 फुट होती है, चौड़ाई 4 फिट होती है, जबकि रोल जो आता है ये बुनियादी तौर से 50 फिट का रोल होता है जिसकी चौड़ाई 4 फिट होती है। तो अभी हम 8 खानों वाला ये पिंजरा बना रहे हैं और इसके लिए इंशाल्लाह ये कटाई कर रहे हैं। अच्छा, कटाई के लिए कोशिश करें कि इसी प्लायर का, इसी कटर का इस्तेमाल हो तो इससे काफ़ी आसानी से आप कटाई कर सकेंगे। इसको मेरे ख़्याल से स्निफ कटर बोलते हैं, इस तरह कुछ नाम है। बहरहाल ये वीडियो से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल में सर्च करें तो ये आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है और मार्केट से भी आपको मिल जाता है आसानी से। इसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और आसानी से कटाई हो जाती है और सफाई से कटाई होती है। अलबत्ता इसके बरक्स बाकी जो और अकसाम के कटर्स हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ भी आप कटाई कर सकते हैं, वो भी जो है काम चलाएगी। अच्छा, यहाँ से भी फीता रख के ये 10 फिट का साइज़ लिया जाएगा। ये 10 फिट का पीस हमने काट लिया हुआ है, अभी बाकी पीसेस काटेंगे। अभी ये इसमें से बाकी पीसेस अभी काटे जाएंगे और ये बाकी पीसेस के लिए ये वाली जाली इस्तेमाल होती है। ये वाली जाली बेसिकली साइडों पे और टॉप पे, साइडों पे और टॉप पे ये वाली जाली इस्तेमाल होती है। और इसका गेज वो जो बेस वाला था वो 15 गेज था, ये भी 14 गेज है, ये 14 गेज है, 14 गेज है। इसके साथ जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और पिंजरे अपने आप जो है एक मज़बूत स्ट्रक्चर की शक्ल में जो है वो खड़ा रहता है। तो अभी इसमें से कटाई होगी। अब इसको बिल्कुल फ्लैट हमवार जगह पे जाली को रख के वहाँ पे फीते के साथ आपने दोबारा से 10 फुट का साइज़ ले लेना है। दोबारा आपने 10 फुट का साइज़ ले लेना है कट कर। हमने जो पिंजरा होता है उसकी जो हाइट है पिंजरे की वो हमने रखनी होती है मिनिमम 15 इंच या 16 इंच, 16 इंचेस या 16 इंचेस, ये मिनिमम 15 इंच लाजमी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम 15 इंच के मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं तो 15 इंच के मुताबिक यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये यहाँ तक अगर हम 15 इंच का पीस लेते हैं यहाँ तक, तो कटाई हमने यहाँ से करनी है, इस साइड, यानी ये साइड जो है इधर से हमने कटाई करनी है, ये पीस मुकम्मल 15 इंच हमने छोड़ देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये एक खाना बीच में से ज़ाया चला जाएगा, ठीक है, ये बीच में से ज़ाया चला जाएगा, यानी कि यहाँ से कटाई होगी, यहाँ से कटाई होगी और ये वाला पीस फिर सफाई हो के ये वाला, ये तार जो है यहाँ से ये भी कट जाएगी, फिर यहाँ से दूसरा पीस शुरू होगा, फिर 15 इंच पीस बन जाएगा, 15 इंच पीस बन गया, ठीक है जी। फिर यहाँ से 1 इंच फिर ज़ाया होगा, फिर ये जो आगे जो है ये आप कटाई करेंगे तो ये एक पीस फिर आपका 16 इंच का निकल आएगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ तक आपका 15 इंच पूरा हो गया तो आप दोबारा से फिर यहाँ से नेक्स्ट कटाई फिर आप यहाँ से सफाई से कर लें। तो ये आपके 3 हिस्से जो है, 3 जो लंबाई में आपके पीसेज होंगे, जो साइडों की दीवार और दरमियान में जो दो लंबी दीवार होती है वो आपके बनेंगे, और ये टोटल आपका 15-15 इंच के साथ जो है 3 पीस निकल आएंगे जिसमें से सिर्फ 1 इंच की जो जाली है ये ज़ाया होगी, यानी कि सिर्फ 1 इंच की जाली ज़ाया हो रही है, इससे ज़्यादा कोई भी जो है इजाफी आपका, आपकी जाली जो है वो ज़ाया नहीं हो रही। ये तीसरा पीस भी तैयार हो गए जी, तीनों पीस जो है ये इक्वल साइज़ में काटे गए हैं,
जो कि दरमियान में लगेंगे इसके, ये आगे जाके वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। यूँ जिस तरह से ये तीन पीसेस काटे गए हैं पार्टीशन बनाने के लिए, 2 फिट और 15 इंच के, यानी 2 फिट बाय यानी के 24 इंच बाय 15 इंच। इसी तरीके से हमें टोटल 6 पीस चाहिए, टोटल 6 पीस चाहिए जो कि अभी 3 पीस हैं, 3 पीस मज़ीद जो है ये इसमें से बनाएगा। ये 2 फिट का पीस लिया है और अभी 2 फिट के पीस में से 15-15 इंच के वो 3 पीसेस निकाले जाएंगे, जिस तरह से ये 3 पीस निकाले हैं। और ये खैर से छठा पीस हो गया, ये छठा पीस हो गया, यानी कि ये टोटल 6 पीस जो है वो पार्टीशन वाले ये पूरे हो गए हैं। इसको भी हमने साइड पे रख दिया हुआ है, ठीक है जी। यानी कि एक ये बेस हो गया, ये साइडों वाले जो लंबे पीस हैं ये 3 काटे गए हैं 10 फिट वाले, जिसकी हाइट 15 इंच है, और ये पार्टीशन जिसकी लंबाई 2 फिट और चौड़ाई जो है, यानी कि जो हाइट के लिए हमने इस्तेमाल करनी है उसकी हाइट 15 इंच, इसके अकॉर्डिंग रखी गई है। ये टोटल 6 पीस ये वाले काटे गए हैं। अब हमने काटना है नेक्स्ट जो टॉप इस्तेमाल होगा, यानी कि उसके ऊपर जो टॉप हो गया पिंजरे के ऊपर, वह भी काटा जाएगा। जिस तरह के हम जानते हैं कि हमने पिंजरे की हाइट रखी है 15 इंच, तो यहाँ से पहले हमने 15 इंच काउंट करना है। ये देखिए, ये पहले हमने 15 इंच काउंट किया, 15 इंच का काउंट का, 15 इंच का काउंट का, यहाँ से टोटल पहले हमने 15 इंच काउंट करना है। ये देखिए 15 इंच काउंट किए यहाँ से, ठीक है जी। और फिर आगे यहाँ से हमने 10 फिट पिंजरे की जो लेंथ है, यानी कि जो टोटल पिंजरे की लंबाई है, वो हमने 10 फिट यहाँ पर काउंट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये 10 फिट आ गया। अब यहाँ पर 10 फिट हो गया जी, यहाँ से आगे हमने 15 इंच इसकी जो हाइट है वो दोबारा से काउंट कर लेनी है, जो कि यहाँ तक आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ तक आ रहा है, तो बेसिकली ये जो टॉप का पीस है वो वहाँ से लेकर हमने यहाँ तक काटना है, जिसमें 2 बार हमने 15-15 इंच काउंट किया और 1 बार हमने 10 फिट काउंट किया, यानी कि टोटल ये बन जाता है 12.5, यानी 12.5 इंच, 12.5 फुट बन जाता है। ये यहाँ पे भी कटाई करेंगे, जिस तरह हमने ये टॉप का पीस हमने काटा है, जिसमें से हमने 15-15 इंच जो है ये इजाफी हमने काटा है। अब उसमें से जो 15 इंच हमने हाइट के लिए जो इजाफी छोड़ा था, उसको हमने बेंड करना है। अब बेंडिंग के लिए आपके पास एक ऐसा पीस होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये देखें, ये एक ऐसा पीस है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी इस सीधे एक पीस के साथ हमने कोशिश करनी है कि इसको हमने बेंड करना है। और बेंड करने का जो तरीका है वो भी अभी आप देखेंगे। ये जो 15 इंच है, यहाँ पे हमने, ये देखिएगा, पंद्रह इंच के लिए हमने यहाँ पे देखें, उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हमने ये पट्टी रख दी हुई है, लकड़ का पीस रख दिया हुआ है। ये देखिए, अब ये देखिए कि किस तरह से ये बैंड करता है। ये देखें, दोनों तरफ आपने इसके ऊपर पांव रखकर, और ये देखिएगा ये पीस को इसने उठा दिया, और ये देखिएगा हल्का हल्का उसको बैंड कर रहा है। अभी देखें, हमारा जो हाइट वाले जो पीस था,
साइड पे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा रेडी हो गया। अब ऐसा ही हमने दूसरी तरफ भी कर लेना है। दूसरे साइड से भी बैंड हो गया है। अब ये जो टॉप है, ये टॉप जो है ये रखा जाएगा, टोटल जो पिंजरा बन जाएगा उसके ऊपर ये टॉप आएगा और इसी टॉप में से डोर्स भी निकाले जाएंगे। ये केबल टाई है और इसके ज़रिए जो है ये सारा केज जो है ये बनता है और इसके इसका भी केज जो है कम से कम ये होना चाहिए। ये मेरे हाल से है जी 100 mm और 250 mm, यानी कि लंबाई इसकी 100 mm है और चौड़ाई, यानी कि ये जो टाई है इसकी जो चौड़ाई है, ये जो हल्की सी चौड़ाई आपको नज़र आ रही है, 250 mm है। तो बहरहाल इसी के साथ जो है ये सारा पिंजरा बनेगा और अभी हम शुरू करते हैं जी। इस तरह से ये जो साइडों के पीसेस लग गए हैं, अटैच्ड हो गए हैं। अब ये यहाँ से बिल्कुल दरमियान में, यानी कि जहाँ पे 2 फिट आएगा, यहाँ पे 2 फिट आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरा हिस्सा जो है, ये तीसरा जो पल्ला है इसका, ये बिल्कुल यहाँ पे 2 फिट वाली जगह पे लगेगा और यहाँ से फिर इसकी ये पार्टीशन हो जाएगी दरमियान में। अच्छा, ये जी दरमियान में भी पीस लग चुका है, साइड पे भी लग चुका है, दूसरे साइड पे भी लग गया है। अब ये जो दरमियान के जो पीसेस हैं वो भी लगाए जाएंगे। ये जो दरमियान वाले पीसेस हैं वो हमने 2.5 फीट पे रखना है, 30 इंचेस पे, 2.5 फीट पे हमने इसको रखना है 30 इंचेस। ये एक साइड पे 3 जो पार्टीशंस हैं वो इंस्टॉल हो गए और ये भी ये दूसरे साइड पे इंस्टॉल होंगे। बीच में पार्टीशन लग चुके हैं केबल टाई के ज़रिए और अब इन पीसेस को आपस में जोड़ देना है, जैसे कि ये भी साइड वाले पल्ले जो है ये भी खड़ा कर रहे हैं, ये देखिएगा इस तरह से।
अच्छा जी, ये सारे पीसेस जो है ये जॉइंट हो गए हैं आपस में। अब इसके ऊपर ये टॉप लगाया जाएगा और टॉप लगा के उसके बाद उसमें फिर डोर्स बनाए जाएंगे। टॉप में जो है ये वाली साइड जो हमने एक्स्ट्रा से बेंड की हुई थी वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे इस यूज़ हो रही है कि एक तो मजबूती भी ज़्यादा हो और कोई एक्स्ट्रा से जॉइंट जो है वो ना आए इसमें। देखिएगा बड़े परफेक्ट तरीके से, देखें हर पीस जो है अपने हर पीस एक दूसरे पीस के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से जुड़ गए। जी मुकम्मल तौर से इसका जो टॉप था वो पूरा का पूरा लग चुका है। बाकी ये जो केबल टाइप के टेल होते हैं ये भी काटे जाएंगे सारे, एक एक करके सारा काटा जाएगा और उसके बाद फिर अब डोर्स निकालने की बारी होगी। अच्छा, ये केज मुकम्मल तौर से तैयार हो गया। अब इसमें से डोर्स वगैरह काटे जाएंगे, डोर्स बनाए जाएंगे। तो बाकी मुकम्मल तौर से तैयार हो गया बिल्कुल सीध में बेहतरीन। ये भी दरवाज़ा काटेगा। ये डोर निकालने के लिए काउंट कर रहे हैं कि बिल्कुल मिड में आ जाए, यानी जो डोर निकालेगा तो बिल्कुल दरमियान में आ जाए। अच्छा, ये पिंजरे में जी सारी कटिंग हो गई है डोर्स के लिए। अब डोर्स की जो साइज़ है हमने यहाँ पे रखा हुआ है 13 इंच बाय 14 इंच। आप 13 बाई 13 इंच का भी रख सकते हैं, बहरहाल 13 बाई 14 इंच का जो है आइडियल होता है। इसमें हर तरह का स्पोक्स आप अंदर रख सकते हैं और अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि आसानी से बड़े से बड़ा खरगोश भी आप रख सकते हैं। अब 13 बाई 14 के लिए हमने कोशिश करनी है कि डोर्स की कटाई शुरू कर देंगे। जिस तरह ये डोर काटा हुआ हमने देखे तो उससे ये जो ऊपर डोर हमने काटा है ये उस सुराख से बड़ा होना चाहिए। कम से कम हर साइड से एक एक इंच जो है इजाफी होना चाहिए। जिस तरह इस साइड पर भी जो है एक इंच इजाफी है,
और इस साइड पे भी एक इंच इजाफी है, ठीक है जी। ये सारे डोर्स की कटाई हो गई है, ये आर्जी तौर पे इसके ऊपर लगे हों, अब ये इसको फिक्स करना है, लगा देना है। और डोर्स को लगाने के लिए ये देखिएगा कि एक इंच इधर हो और एक इंच उधर हो, इस तरीके कार से। ये डोर लगने के बाद अभी दरवाज़े का हुक लगा रहे हैं जिससे दरवाज़ा बाहर से आसानी से लॉक हो सके। ये डोर लगा दिए गए, अब ये हुक भी ऊपर से लग गया, ये देखिएगा इस तरीके से ये लॉक हो गया, अब डोर नहीं ओपन हो सकता। ये हुक के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम, यूट्यूब पे आप सर्च करें हाउ टू मेक रैबिट केज हुक, तो वो वीडियो सामने आ जाएगी, वो आप देख लीजिएगा किस तरीके कार से आप बना सकते हैं, किस तरीके कार से आपने लगाना है इसको। यहाँ पे केबल टाई ज़्यादा लगाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मज़बूत बन सके, यानी कि बिल्कुल भी इसमें कोई लचक ना हो या फिर किसी तरह से खुल ना सके। ये पिंजरा तैयार हो गया, रेडी हो गया, सारे डोर्स इंस्टॉल हो गए हैं, इसके जो हुक्स वगैरह हैं वो भी इंस्टॉल हो गए हैं कि आसानी से पिंजरे को खोल और बंद किया जा सके। ये चार पिंजरे इस तरफ हैं, ये चार पिंजरे इस तरफ हैं, टोटल ये आठ खाने हैं। और अब बात करते हैं इसके एस्टीमेट पे, तो आज से साल पहले ये पिंजरा तकरीबन पड़ जाता था कुछ 9 से 9,500 रुपये तक, बल्कि 1.5 साल पहले या साल पहले। अभी इसकी प्राइस टोटल बन जाती है अराउंड 14,000 रुपए में, ये पूरा एक यूनिट बन जाता है जिसमें ये इस तरह के आठ खाने हों और एक सिंगल खाने का साइज़ 2 फिट बाई 2.5 फिट के हिसाब से होता है। एक तो इसमें इजी मैनेजमेंट होती है, आसानी से आप खुराक वगैरह डाल सकते हैं, इसके ऊपर चारा रख कर तो आसानी से रैबिट खा लेते हैं। और इसके नीचे अभी एक लगेगा, स्टैंड लगेगा, जिस तरह वो रैबिट हैं उसके नीचे ये स्टैंड लगा हुआ है, इस तरीके कार से इसके नीचे स्टैंड लगेगा और ये मुकम्मल तौर से ज़मीन से ऊपर होगा और जितना भी वेस्ट है वो सारा नीचे जाएगा, नीचे से आसानी से सफाई हो सकेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बल्कि आप आराम से आप घर पर बैठ के पिंजरा बना सकेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।